हेलो माय डियर स्टूडेंट, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है शासक और इमारतें। शासक और इमारतें, देखिए इससे पहले वाले अध्याय में हम मुगल साम्राज्य के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए हमने अकबर के बारे में पढ़ा, हमने बाबर के बारे में, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद हमने सलीम जहांगीर के बारे में पढ़ा, उसके बाद शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था। ठीक, इससे क्या मैं आपका रिविजन करवा दे रहा हूँ, ये क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद लास्ट शासक कौन था, औरंगजेब। इसके बाद भी उसके पुत्र हुए थे लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समाप्त होते गया था उनका राज्य। ठीक, लेकिन आज हम पढ़ेंगे, ठीक, आज हम कहाँ देखिए हम पूरी हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 700 से लेकर 1700 बीच तक की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इसके बीच की हिस्ट्री तो हम देखेंगे। ठीक, तो हम शासक और इमारतों के बारे में जानते हैं कि जो इसके बीच कितने टाइप के शासक थे और इमारतें थे। तो शासक और इमारतें कि किस शासक ने क्या इमारत बनवाई उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपने देखी होगी बहुत सी प्राचीन इमारतें, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद हुई, ताजमहल हो गया, इसके बाद कुतुब मीनार हुई, और बहुत से लखनऊ में हैं, चार मीनार हुई, ये किस शासक ने बनवाई। ठीक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किन शासक ने क्या इमारत बनवाई। तो आइए चलते हैं, हमारा अध्याय स्टार्ट करते हैं। देखिए चित्र नंबर 1 को देखने पहले चित्र को देख लेते हैं। ठीक, जब इमारत की बात हो रही है तो इमारत को ही देखते हैं। इसे हमारी इमारत के बारे में बात हो रही है तो हम सबसे पहले इमारत को देखेंगे। तो आइए देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे देखिए ये। ठीक, ये देखिए चित्र 1 में देख लीजिए आप, ये क्या है, कुतुब मीनार। आपने कुतुब मीनार का नाम तो सुना होगा मेरे ख्याल से, ये दिल्ली में है। नहीं भी सुना होगा तो आप सुन लीजिए, सुना होगा तो अच्छा है, नहीं सुना होगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम थोड़ा बहुत। ठीक, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा मत का पढ़ेंगे जो आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक, कुतुब मीनार के पहले छज्जे को जो प्रदर्शित करता है, कुतुब मंदिर ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। जो कुतुब मीनार है इसके निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और कब, 1199 में। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं, ये आप नोट भी कर सकते हैं अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं। मेरा कहना तो यही, आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें या यूट्यूब पर जो भी लर्निंग वीडियो देखें तो एक नोटबुक तैयार लीजिए, हाथ में पेन और नोटबुक, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे या कोई आपको बताए कि नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट कर लीजिए, जिससे क्या रहेगा आगे आप पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया 1199। तो ये बात नोट करने लायक है, आप कर सकते हैं। ठीक, छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। ज्यामितीय, ठीक, ये देखिए इस टाइप से। ठीक, फिर उसके बाद क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों को दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं, ये अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है, ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक योग कारीगर ही। अब इसको छोड़िए, इसको देखिए, आपने देखा होगा कुछ कुछ लिखे हैं यहाँ पे, ये देखिए कुछ लिखे हैं, ये अरबी भाषा में लिखे हैं, इसको आप नहीं समझ सकते, अरबी भाषा में ही। ठीक, तो कुतुब मीनार का निर्माण था। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण कर पाया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षित इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल, मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। मतलब पहली इमारतें वो थी जो उन्होंने खुद के लिए बनाई आराम के लिए। ठीक, जैसे कोई किले हो गया या महल हो गए, ये उन्होंने खुद के यूज के लिए बनवाई, पहला तो ये उन्होंने खुद के लिए बनवाई चीज़ें। और दूसरी कैटेगरी क्या छेड़नी, इन्होंने दूसरों के लिए बनवाई, जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुई, हौज हुई, कुएं हुई, सराय हुई, बाजार, ये जनता के लिए बनवाए उन्होंने। ठीक, तो दो कैटेगरी की इमारतों का निर्माण हुआ, ये आपने सीखा दो कैटेगरी का। पहली छेड़नी क्या है, उन्होंने खुद के ऐसो आराम के लिए, जैसे किले, महल, मकबरे, ये उन्होंने खुद के लिए बनाए। और दूसरी क्या है हमारी, मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार, ये उन्होंने पब्लिक के लिए बनवाई, जनता के लिए। ठीक,
राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे। सभी को अपने राजा से ये अपेक्षा रहती थी कि वे प्रजा की देखरेख करेंगे, उसके भले के बारे में सोचेंगे, भले के बारे में करेंगे। ठीक, प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। ठीक, राजा भी यही सोचता था यदि वे जनता के लिए कुछ अच्छे काम करेगा तो उन्हें क्या मिलेगी, प्रशंसा। ठीक, इस तरह के निर्माण कार्य और व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे। मतलब ये सभी कार्य व्यापारी भी करते थे, जो बहुत बड़े बड़े आदमी रहते हैं व्यापारी, वो भी ये काम करते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे राजाओं के अलावा। परंतु घरेलू स्थापत्य, व्यापारियों की विशाल हवेलियों के बस अवशेष 18वीं सदी से ही मिलने शुरू हो गए थे। वे अपने लिए भी बड़े बड़े हवेलियाँ बनवाते थे। देखिए, अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य, देखिए स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। देखिए, आपने लाल किला पास जाके नहीं देखा होगा, फोटो में देखा होगा, ताजमहल देखा होगा। तो पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आप सोच सकते हैं, दिमाग लगाया हो आपने, कुतुब मीनार देखी है आपने, अभी देख ली, तो ये कैसे बनी होगी, आपके दिमाग क्वेश्चन तो आया होगा। तो इससे उनके निर्माण शिल्प ज्ञान बनाने की कला का पता चलता है। छत का उदाहरण ले लीजिए इसकी, हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन ये कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती थी, मतलब उसमें जो कारीगर रहते थे बड़े कौशल रहते थे उनके जमाने में। ठीक, 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़की बनने लगे थे। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खम्भों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर के रखकर बनती थी। देखिए ये कला ले लेते हैं हम, ये वाला, ये चमक रहा है, ये वाला, ये तो ज्यादा हो गया। ये बढ़िया है, तो ये बढ़िया कलर है। ये देखिए कैसे बनी होगी, आपने दिमाग लगा हुआ है, किस टाइप से बना। आज तो हमारे पास सब उपका इंस्ट्रूमेंट इससे हम बना लेते हैं, लेकिन पहले कैसे बनता होगा। ठीक, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर का था। तो इसके लिए कुशल, जिनके कारीगर शिल्पकार बहुत कुशल रहते थे, प्रशिक्षित। ठीक, उसके बाद 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। चित्र 3, शिव की स्तुति में बनाए गए कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। चित्र खा में देखिए, ये देखा हमने मंदिर की योजना है, ये एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भाग तक। तो आप देख सकते हैं ये बनाया गया था 999, तो किस तरह से बनाया होगा और कितनी शिल्पकारी की होगी। ठीक, ये देखिए कितनी इमारतें बनी हुई है, मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। देखिए मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था। पहले के मंदिरों को बहुत अच्छे से बनाया जाता था, अभी बनाया जाता है सभी को, मस्जिदों को, लेकिन पहले के शिल्पकार रहते थे बड़ी अच्छी कला से बनाते थे मंदिरों, मस्जिदों को। ठीक, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। ठीक, जहाँ पे अपने क्या उपासना, प्रार्थना करने के स्थल थे ये, वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वरी मंदिर को लिया सकता है, एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने किया था। अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया गया था, उनकी प्रार्थना के लिए। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। ठीक, ये देखिए मस्जिद का नाम किस तरीके से बनाया गया, कितनी अच्छे तरीके से। ठीक, ये मुसलमान सुल्तान बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ता मूसा और सुलेमान की विशेषता मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वस्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अलाउद्दीन
अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन कायम रहा। अब देखिए हम और देख लेते हैं, ये आपने अमृतसर का सुना होगा स्वर्ण मंदिर, तो इसकी आप देख सकते हैं क्या कलाकृति, देखने में कितना अच्छा लगता है। देखिए व्यापक समझ यह है कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी। देखिए मंदिर को क्यों नष्ट किया गया, अब बहुत से जो शासक हुए उन्होंने मंदिर को नष्ट किया। राज मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति धन संपदा और ईश्वर की प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे, मतलब जो भी राजा होते थे अपने प्रार्थना के लिए मंदिर का निर्माण करते थे अपनी धन संपदा को, ठीक इनके लिए। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांडन राजा सीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकित्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी शुद्ध बुद्ध की मूर्ति, विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंगेली शासक के आत्मभान अंग्रेज, ठीक उसको बदल लेने का स्वाभाविक था। वो अंग्लिश सिंगली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांडव की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इसमें भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी, ठीक ये सब बाग मकबरे और किले का निर्माण, ठीक मुगलों के अधीन वस्तुकला और अधिक जटिल हो गई, मतलब बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वस्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे, मतलब ये वस्तुकला को फैलावा देते थे बढ़ावा देते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है, तो उसने बहुत से बागों का निर्माण करवाया है बाबर ने, तो ये मतलब वस्तुकला में अपनी रुचि रखते थे ये, ठीक ये वस्तुकला में अपनी रुचि रखते थे। तथा कृत्रिम नहरों, मानव द्वारा बनाई गई नहरों को कृत्रिम नहर बोलते हैं, ठीक औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों कश्मीर आगरा दिल्ली इन सब चीज़ों में बनाया गया, ठीक तो ये बहुत सी मुगल काल में मस्जिदें भी बनी, बहुत से महल बने मकबरे बने, ठीक देखिए अभी देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। मुगल काल के ये क्या है, ताजमहल, इसका नाम आपने खूब अच्छे से सुना होगा, शायद किसी किसी ने देखा भी हो जो इसके आसपास रहता हो, ठीक ये क्या है दिल्ली आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण किसने करवाया था, मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां किसका पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था, ठीक क्षेत्र में साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र में अपनाई गई, मतलब इसे एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र में चले गई वहाँ की इधर आ गई, तो आदान प्रदान चलता रहा। उदाहरण के लिए ले लीजिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वस्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 में देखेंगे हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक आयोग आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक यदि किसी पर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, ठीक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।